भीवान बेगटू है सिंह निश्चन बाबू आज मैं आपको बड़ा आसान और सरल ट्रिक के आधार पर जो कि अभी तक किसी ने इतना सरल और इतना आसान ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन के नियम को नहीं बताया बाबू आज मैं आप लोगों को असेटी टू इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन इंग्लिश ग्रामर के तहत बड़ा ही आसान ट्रिक के आधार पर बताने के लिए जा रहा बाबू पहले समझिए असेटी असेटी के अंतर्गत यानी असेटी के ही भेद अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप का बदलाव टेंस के आधार पर असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बदलने जब हम बदलते हैं तो सेंटेंस के भावार्थ का परिवर्तन हो जाता है परंतु ट्रांसफॉर्मेशन के तहत यानी रूप बदलाव के तहत जिसके अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिणत करते हैं तो सेंटेंस का आशय का परिवर्तन नहीं होता बल्कि उसके स्ट्रक्चर स्वरूप का परिवर्तन होता है समझ गए असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंस पर आधारित सेंटेंस आते हैं समझ गए ना अब आइए देखिए अपनी क्या है और असर्टिव से सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बाबू मात्र 5 रूल है समझ गए ना पहला रूल जो है कि जनरल रूल के अनुसार नियम के तहत अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंस के आधार पर इसका स्ट्रक्चर गाने होगा पहला है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत होता है सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर सेंटेंस आधारित होता है समझ गया नहीं और ये जो है सिंस अफर्मेटिव को प्रदान करता है समझ गए और इसी असर्टिव सेंटेंस को जब हम निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू पहले एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी यानी मेन मुख क्रिया है ना मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ब करके वर्ब को बनाया जाता है समझ गए मोटा मोटी समझिए अगर असर्टिव सेंटेंस का वर्ब अफर्मेटिव सेंस के अंतर्गत होता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वा समझे निगेटिव फॉर्म में बदल जाता है उदाहरण के लिए देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए असर्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना जब हम इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन का करते हैं तो पहले क्या करते हैं जी सर्वप्रथम क्या करते हैं कि एक्जिलरी वर्ब ये सहायक क्रिया को करते हैं उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को करते हैं उसके बाद क्या करते हैं नोट का प्रयोग करते हैं
यानी निगेटिव समझे निगेटिव कंडीशन उसको डालते हैं प्लस मेन भाग को रखते हैं उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसके बाद प्लस इंट्रोगेटिव मास लगते हैं। जब तक हम इंट्रोगेटिव मास का चिन्ह नहीं लगाएंगे वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नहीं होगा नहीं माना जाता है चिन्ह के द्वारा ही पहचाना जाता है। समझ गए चिन्ह के द्वारा ही पहचाना जाता है समझ गए। दूसरा देखिए है कि सब्जेक्ट अगर दूसरा सेंस देखिए अगर असर्टिव सेंटेंस का हुआ का स्ट्रक्चर निगेटिव सेंस के निगेटिव अगर असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस के हुआ समझे निगेटिव स्ट्रक्चर के यानी नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत होता है जिससे सब्जेक्ट प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस मोड प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट तब इसको हम इंटरगेटिव में जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा ये एग्जीक्यूटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भाग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नहीं लगा हुआ है समझ गए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक में नो नहीं का लुप्त कर दिया जाता है यानी नोट को हटा दिया जाता है समझ गए। और उसके बाद सेंटेंस को बनाया जाता है जिसमें स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव भार प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भार प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटरव्यू बस समझ गए ना। अब आइए दूसरा शब्द नेवर ये भ्रम होता है कहीं नेवर अगर जिस सेंटेंस में लगा हुआ है समझ गए असर्टिव सेंटेंस के अंदर नेवर लगा हुआ है तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब बनाएंगे एक्चुअली भार प्लस सब्जेक्ट प्लस इवर नेवर का क्या हो जाएगा जी इवर समझे प्लस मेन भार प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मास लगा करके वाक्य बनाएंगे। तीसरा है नथिंग नथिंग का मतलब होता है नहीं है ना नथिंग कुछ अगर लगा हुआ है एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत समझ गए ये भी नकारात्मक हुआ ये भी नकारात्मक क्या होता है वाक्य और क्या करता जब लगा नथिंग सेंटेंस में तो नकारात्मक पहचान आता है सेंटेंस का। अब इसको ऐसे बात में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बनाते हैं तो कहता जी सब्जेक्ट पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट से पहले जरूरी भाग पहले क्या करेंगे जरूरी भाग उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद नथिंग के जगह पर एनीथिंग लिखेंगे और उसके बाद मेन भाग लिखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद इंट्रोगेटिव मास लगा करके वाक्य पूरा करेंगे। और चौथा है एवरीबॉडी एवरीवन या ऑल सेंटेंस यदि सकारात्मक समझे पॉजिटिव पोजिशन का समझे असर्टिव सेंटेंस का अंतर्गत अगर वाक लगा रहे हैं तो उस ये जो एवरीवन एवरीवन है ना सॉरी एवरीबॉडी
एवरीवन और सेंटेंस में लगा रहता है तो सकारात्मक वाक्य का भाव प्रकट करता है, समझ गए। और जब हम इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इस एवरीबॉडी एवरीवन या ऑल के जगह पर हु का प्रयोग करते हैं और उसके बाद एग्री वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। बताया कर के गया ऐसा कि सेंटेंस का वाक समझे अफर्मेटिव सेंस के अंतर्गत रहता है तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक का समझे स्ट्रक्चर समझे क्या होता है नेगेटिव के अंतर्गत होता है ना। हु प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस नोट प्लस नेम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वाज लगाकर के वाक को बनाया जाता है। अब है पांचवा नोबडी नन नो वन ये सब क्या है नेगेटिव सेंस को नेगेटिव सेंस के तहत इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गया ना, भाव के तहत किया जाता है समझ सेंटेंस में। अदरवाइज असर्टिव सेंटेंस में ऐसा वर्ड लगा हुआ रहता है समझे तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करता है कि इस इन तमाम को टू हु नोबडी नो वन सॉरी नोबडी नन नो वन से प्रारंभ हुआ हो रहा है, समझ रहे हैं। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सभी सेंटेंस को तो हु उसके जगह पर ही जो है नो बडी नन नो वन के जगह पर जो हु का प्रयोग होता है प्लस एक जोड़ी भाग प्लस क्या लगता है मेन भाग प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक को प्रकट करते हैं। अब सेंटेंस के आधार पर देखिए मैन इज मोर्टल मैन इज मोर्टल सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंस के अंतर्गत इसमें देखिए नोट नहीं करने लगा हुआ है लेकिन जब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत तो क्या हो जाएगा ये पहले क्या करेंगे एडजेक्टिव वर्ब पहले क्या पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर पहले एडजेक्टिव वर्ब अब पहले क्या करेंगे एडजेक्टिव वर्ब का प्रयोग करेंगे है ना। Is a man क्या हो गया जी सब्जेक्ट हो गया मैन इज मैन समझे। अब उसके बाद अप्लाई क्या करेंगे नोट का अप्लाई किया हुआ है ना देख रहे हैं नोट का प्रयोग किया हुआ तो क्या है नोट प्लस क्या करेंगे मॉडल का प्रयोग प्लस तब देखिए मैन इज मोर्टल मनुष्य मरणशील होता है समझ गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब था रूप में बदलाव वाक के सेंस में बदलाव नहीं होता है समझ गए। असर्टिव ट्रांसलेशन टेंस पर आधारित अगर बदलाव होता है उसके स्ट्रक्चर का बदलाव होता है। अगर असर्टिव सेंटेंस में वाक है अंतर्गत समझिए वाक है जिसमें नोट का प्रयोग नहीं है उसको क्या करें इंट्रोगेटिव में बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे क्या करेंगे ये अरे क्या करेंगे एग्जिट भाग पर रखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट पर रखेंगे प्लस नोट का प्रयोग करेंगे समझ गए कहना मैन इज मोर्टल कहा ना इसका हो जाएगा इज मैन नॉट मोर्टल क्या मनुष्य
मालूम सिर्फ नहीं हो पाता है। करेक्ट। अब देखिए इस सेंटेंस से स्पष्ट हो गया ना कि सिर्फ क्या है, इसका स्ट्रक्चर में परिवर्तन यानी रूप का बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, समझा, स्ट्रक्चर का। भाव जो है वो आपका समान है, माइंड इज मॉडल, मनुष्य मानसील है। क्या क्या मनुष्य मानसील नहीं है? बात बस। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए है इंडिया है। अब देखिए इसमें मतलब क्या है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य जो है इसमें नेगेटिव सेंस दिया हुआ है ना, भाव रखा हुआ है ना। तो इंडिया हैज नॉट एन एंशिएंट कल्चर। जब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया हैज नॉट एन एंशिएंट कल्चर, जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के अंतर्गत करें तो पहले इसमें क्या करेंगे, ढूंढेंगे जी सब सब्जेक्ट से पढ़ के ढूंढेंगे एक जुड़ी भाग, कहने की इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में पहले सेंटेंस का प्रारंभ एब्सोल्यूट और स्वेदी होता है या डब्ल्यूएच के वर्ड्स होता है। तभी यहाँ पर क्या है कि डब्ल्यूएच का तो वर्ड है नहीं, यहाँ पर क्या है कि एक जुड़ी भाग, यहाँ जुड़ी पढ़ने या जुड़ी भाग लिखने, समझिए यहाँ पर हाइज हाइज ऑफ इंडिया लिखने हाइज इंडिया हाइज इंडिया हाइज इंडिया has India an ancient culture interval marks. अब देखिए India has not an ancient culture. ये असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंस के अंतर्गत वाक्य है, असर्टिव वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस के वाक्य के अंतर्गत क्या है कि नेगेटिव सेंस के वाक्य है। इंडिया हैज नॉट एन एंशिएंट कल्चर, इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज इंडिया एन एंशिएंट कल्चर इंट्रोड्यूस नकारात्मक जितने भी वर्ड हैं या मतलब कि नोट है या नो लगा रहे तो सुन किया था पॉइंट किया जाता है, हटा दिया जाता है, समझ गए। अब दूसरा है माय ब्रदर हैज नेवर समझे विजिटेड इंडिया। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक क्या है, पहले क्या करेंगे यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है, उसके बाद क्या करेंगे कि माय ब्रदर है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा, देख रहे ना, अब देख लीजिए नेवर इवर बदल जाएगा, समझे, पहले एक्जुलेट वर्ब का ध्यान करेंगे, एक्जुलेट वर्ब का ध्यान हैज समझे, और सब्जेक्ट क्या होगा ये माय ब्रदर हो गया है ना, कहाँ ये देखिए माय ब्रदर, तो माय ब्रदर इवर विजिटेड विजिटेड
and dear class interview was. My brother has never visited India. समझे? ये जो सेंटेंस देख रहे हैं ये भाग लगा हुआ है ना, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव देख रहे हैं, पार्ट को स्पष्ट कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है, इवर जो है कन्वर्ट हो जाता है, इवर क्या हो जाता है, ये निर्भर जो है इवर पर परिवर्तन हो गया, निर्भर है। इससे ऐसे वर्क बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरव्यू वर्ब्स। यहाँ पर देखिए, माय ब्रदर हैज नेवर विजिटेड इंडिया, समझे? इसको इंटरव्यू सेंटेंस में जब वर्ब को बनाएंगे तो क्या लगेगा जी, हैज माय ब्रदर नेवर विजिटेड इंडिया, समझ गए? और है तीसरा, he has nothing to do in this situation. अब ये केस में भी क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, हुआ दे रहा है, इसमें क्या करेंगे, फिर वही सेंस को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, नथिंग है ना। अब यहाँ पर he has, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है ना ये, अब क्या हो जाएगा, ई ही हैज, ही से पहले क्या करेंगे, एडजेक्टिव वर्ब को रखेंगे, हैज हैज ही हैज ही, समझे, एवरीथिंग क्या करें, मैं भा मैंने थिंग टू डू इन दिस सिचुएशन, सिचुएशन क्लास इंटरव्यू बस, ही हैज नथिंग टू डू इन दिस सिचुएशन को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर करेंगे, समझे, क्या हो जाएगा, हैज ही एनीथिंग टू डू इन दिस सिचुएशन प्लस इंटरोगेटिव वर्ब्स, समझ गया? आप देखिए चौथा है, चौथा है वो, चौथा है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कैन डू दिस वर्क, एवरीबॉडी कैन डू दिस वर्क, ये जो सेंस देख रहे हैं ये एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के जगह पर हु का प्रयोग होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन या ऑल असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रहेंगे और वे सेंटेंस में क्या होता है, वैसे सेंटेंस को जो हम इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है कि पहले हु रखा जाता है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, हु का प्रयोग होगा, है ना, हु, उसके बाद है एक्सिलरी वर्ब, क्या करेंगे, हु, हु, who can not, who cannot do this work in the past, everybody can do this work,
और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पे करेंगे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो कि सेंटेंस का तरह करेंगे तो क्या होगा हु प्लस एक्सिलियो प्लस नॉट प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मास। इसमें हो जाएगा हु कैन डू दिस वर्क प्लस इंट्रोगेटिव मास करके भाग को बनाएंगे। अब है पांचवा नोबडी Nobody, no one, या none. Assertive sentence के अंतर्गत wrong, तो उसके जगह पर समझे interrogative sentence में जब sentence को हम transformation करेंगे तो who का प्रयोग करेंगे, समझ गए। आप यहाँ पर देखिए none, nobody, none, no one जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्या रहा है नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत तो वाक्य को भारत को रख रहा है, समझ रहे। तो इसको बनाने में क्या आ जाएगा, तो ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत असर्टिव पोजीशन के अंतर्गत वाक्य होंगे, समझे। और वो करके तो वाक्य को बनाया जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी वो आगे ये है नोबडी मींस In this match, nobody, कोई नहीं, समझे? इस मैच को जीत सकता है, समझ गया असर्टिव सेंटेंस क्या हुआ है? जब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे तो पहले क्या करेंगे? Who लगा है, समझे? उसके बाद who, who, who Does not mean Yeah.